ले आ गया हूँ फिर से मैं मैदान में सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार एक तो पबजी का कोई सीन समझ नहीं आ रही, ठीक है, ऊपर से ये तुम गाना आया था और ऊपर से एक और ये नोक नोक वाला कंजर खाना आ गया। मतलब सारी तरफ, मतलब ये 2020 चल रहा है, आप समझ रहे हो 2020, मतलब कि यार कोरोना मैदान में आया हुआ है, नोक नोक मैदान में आ गया, ऊपर से तुम मैदान में आ गया, ऊपर से ये पीटीए मैदान में आ गया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और हम लोगों को पबजी के मैदान से बाहर निकाल दिया और ऊपर से बैन भी कर दिया, रास्ते भी बैन कर दिए ताकि आप लोग जा ही ना सको। यार यही तो कयामत है। तो यार मैं रात को लाइव स्ट्रीम करने बैठा तो क्या नाचो मैं तो पीटीसीएल का नेट खराब हो गया तो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी, क्योंकि उसका डेटा सही नहीं था रहा और लाइव स्ट्रीमिंग बहुत स्लो चल रही थी, मुझे मजबूरन बंद करनी पड़ी। और मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा दफा करो यार लाइव स्ट्रीमिंग को, जाके सोता हूं मैं। तो यार मैं जैसे ही सोने के लिए लेटा, भाई सब लाइट चली गई, मतलब वापटा वालों ने मेरे साथ हाथ कर दिया। ऊपर से फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कहा यार छत पे जाके लेटता हूं। तो यार मैं छत पे चला गया, छत पे ठंडी हवा थी, मैं ठंडी हवा में लेट गया, लेकिन भाई सब ठंडी हवा में मच्छर आ गए और मच्छर मुझे काटना शुरू कर दिया। इतना मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा या अल्लाह मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद वापस लाइट आई, लेकिन डिम लाइट आई, मतलब और गुस्सा चढ़ा रहे थे वापटा वाले। अब डिम लाइट में पंखा चला के मैं कैसे लेटूं, हवा तो आ नहीं रही थी, मतलब छू 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 पंखा ही चला था, सिर्फ आवाज ही आ रही थी, हवा तो आ नहीं रही थी, और दिमाग खराब होने लग गया। आजकल लिटरली ये वापटा वाली कार है, मतलब पहले लाइट भेजती हैं, फिर आती है, फिर डिम लाइट चली जाती है, फिर 10 मिनट बाद वापस भेज देती हैं, और फिर 3-4 घंटे लाइट ले जाती हैं और कहते हैं जी खराब हो चुकी है। मतलब ये खाली इस्लामाबाद में चल रहा है या आप लोगों के शहर पे भी चल रहा है यार ये। और यार ये जो वापटा वाला है ना, जो हैंडल पकड़ के बैठा होता है, मतलब लाइट डिम करूंगा या तेज करूंगा या भेजूंगा, उसके लिए सिर्फ दो अल्फाज। तो बड़ा जलील है कायनात यार। नोक नोक 3 मिनट का गाना है, ठीक है, इसमें 3 ही अल्फाज है, मतलब 3 ही लाइनें हैं। नोक नोक मैं हूँ फजलुद्दीन, शादी कर ले। ऊपर से यार ये तुम गाना जो था उसको तुम नहीं पू 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 बना के पेश किया हुआ था, कुछ समझ तो आती नहीं है। मैं भी लिटरली गौर से सुनता हूँ तो मुझे समझ आती है तुम है, लेकिन वो असल में बोल रहा होता है पू पू पू, ऐसा मुझे कुछ लग रहा था। तमीज से बात करें, क्या बातें कर रहे हैं आप, ये तो होगा। तो यार हमारे प्यारे भाई ने बहुत ही जबरदस्त बात की थी, मैं उसका खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, आप लोग भी बहुत बड़े फैन हो गए उसके, क्योंकि यार वो पाकिस्तान की आन बान शान कदरदान साहिबान सब कुछ है। मैं आप लोगों को उसका मैसेज दिखाता हूँ, अब उस पर ब्लेम कर सकते हो ये सब पबजी का। अस्सलाम वालेकुम, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी मसला चल रहा है, कारोबार नहीं चला, गाना नहीं चला, इवेंट नहीं चला, तो उसके जिम्मेदार आप बिल्कुल नहीं है, उसके जिम्मेदार मैं। नहीं नहीं अली भाई, ऐसी कोई बात नहीं, हम आपको ऊपर नहीं डाल रहे, ये तो पीटी वालों का मसला है, आप ऐसे ही आप बीच में आ रहे हैं, चलो खैर आई एम सॉरी आपको बुरा लगा। तो यार लास्ट में बात करते हैं पबजी के, पीटी वालों ने कहा था अगर आप लोगों की अच्छी राय आती है तो हम पबजी अनबैन कर देंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो यार जब हम पीटीए के ऑफिस में जाते हैं और इनसे बात करते हैं कि यार पबजी अनबैन कर दो, तो आगे से हम एक ही जवाब देते हैं, यार निकल यहां से, निकल। तो यार पीटीए वालों यार प्लीज शरम करो। तो यार जल्दी से इसको अनबैन कर दो ताकि हमारे जो वर्ल्ड लीग में पहुंचे, हमें जाके वर्ल्ड कप जीते, मतलब पबजी का वर्ल्ड कप जीते और हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन करे। और भाई साहब हमें भी थोड़ी खुशी हो यार, वाकई यार नाम रोशन कर दिया यार पाकिस्तान में, तो आप लोगों की भी खुशी होगी पीटीए वालों। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। तो यार एम रखते हैं 500 लाइक, मुझे पता यार आप लोग कर दोगे। और लास्ट में बात करता हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो ये वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।